नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल टेक सपोर्ट इन हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो न्यू डिजिटल सेवा पोर्टल है उस पर किस तरह से आप अपने लिए एक ऑपरेटर चूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटर एक ऐड कर सकते हैं और उस ऑपरेटर को ऐड करने के बाद किस तरह से उसको एक नया CSC ID और पासवर्ड कैसे उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको कैसे दे सकते हैं और उसके जो उसका अकाउंट होगा, उसका वॉलेट होगा, उसके वॉलेट में कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इतना सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा और साथ में एक घंटी भी होगा, तो उसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटी पर क्लिक करके उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर मेरा नोटिफिकेशन, मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो फ्रेंड्स, सिंपल देखिए यहाँ पर मैं तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं मैं अपने डैशबोर्ड पर यहां पर ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल हूं। ठीक है, यहां पर मैंने अपना डैशबोर्ड खोल रखा है, आप यहां पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने लिए ऑपरेटर कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें तो मैंने बताया था, लेकिन मैं आज एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि ऑपरेटर कैसे चूज़ करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका अकाउंट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, तो इसमें नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑपरेटर के लिए एक ऑप्शन। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, आप एक ऑपरेटर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक ऑपरेटर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दो ऑपरेटर चूज़ करके सिर्फ इसको टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दो ऑपरेटर को मैंने बनाया है और डिलीट कर दिया है, और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने थर्ड ऑपरेटर यहाँ पर बनाया है। एक ऑपरेटर यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने ऑपरेटर और ऐड किया और यहाँ पर उस ऑपरेटर का यहाँ पे मैं नाम डाल लेता हूँ, RAMJIYAVANBIND। ठीक है, और मैं एक ईमेल यहाँ पर मैं टाइप मैंने तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया था और यहाँ पर मैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं यहां पर आधार नंबर डाल लेता हूं। ठीक है, 7043 83 6675। तो आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर मैंने यहां पे ऑपरेटर का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये सारा कुछ मैंने फिल कर लिया और यहां पर मैं सबमिट बटन पर मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पे सक्सेस के लिए ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पर मैं दोबारा ऑपरेटर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर पर मैंने क्लिक किया, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले नंबर पर यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑपरेटर जो अभी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर ऐड हो चुका है, और यहाँ पर देखिए CSC की जो ID है यहाँ पर इनको मिल चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका पासवर्ड इनको इनके ईमेल पर गया है। ठीक है, तो मैं सिंपल इनका ईमेल खोल लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक ईमेल यहाँ पर है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले बनाया इस ईमेल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ईमेल आया हुआ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नो रिप्लाई, यहां पर वेलकम टू डिजिटल सेवा पोर्टल, यहां पर देखिए इनका ईमेल आया हुआ है। यहां पर मैं इसको खोल लेता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं ये इनका यूज़र आईडी है और यहां पर पासवर्ड है। तो यहां पर कुछ चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं, इस ऑपरेटर को मैं बाद में डिलीट कर दूँगा, सिर्फ ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनका ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, ठीक है, आप बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यूज़र आईडी तो मुझे मिल जाएगा वहाँ से, यहाँ से मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो सिंपल मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लॉग आउट किया और यहाँ पर सिंपल फिर से मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, जो अभी मैंने अभी ऑपरेटर का यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग इन मैं कर लेता हूँ और देखिए यूज़र नेम यहाँ पे मुझे कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना होगा, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर फिर मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे साइन इन बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने साइन इन बटन पर क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये यूज़र आईडी यहाँ पर देखिए कंटिन्यू करके आ रहा है। यहाँ पर इसको मैं यस कर देता हूँ, ठीक है, देखिए यस आ रहा है। और आप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, मैंने पिन तो अपने अकाउंट में ऑलरेडी जनरेट कर रखा था। यहाँ पर देखिए पिन यहाँ पर आ गया है वॉलेट पिन के लिए, और इनमें अभी कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर जब क्लिक करेंगे तो इन्हीं के नाम पर मैंने बनाया था। देखिए यहाँ पे राम जियावन बिन, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर मैंने बनाया था CCID। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये पूरी तरह से जनरेट हो चुका है, अभी इनके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी इनके अकाउंट में मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए सिंपल मैं दूसरा एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दूसरा ब्राउज़र मैं ओपन कर लेता हूँ अभी यहाँ पर। तो डिजिटल सेवा पोर्टल का एक और पोर्टल मैं खोल लेता हूँ और वहाँ से मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, DIGIT डिजिटल सेवा पोर्टल, डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ से मैं डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ से मैं खोल लेता हूँ और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए ये खुल चुका है। और यहाँ पर मैं अपना यहाँ पे यूज़र आईडी डालता हूँ, CSC ID, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, डालने के बाद यहाँ पे साइन इन मैं कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल क्रोम पर यहाँ पर राम जियावन बिंदु का खुला है और यहाँ पर मैंने नीचे दूसरा ब्राउज़र खोला हुआ है, यहाँ पर मेरा वाला है, ठीक है। मेरे अकाउंट में यहाँ पर 201 रुपये हैं और यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम पे खुला है राम जियावन का, ठीक है। तो इनका अभी कोई बैलेंस नहीं है, डैशबोर्ड इनका मैं खोल के दिखाता हूँ, इनमें कोई बैलेंस नहीं है। तो जो मेरा वाला अकाउंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी देखिए मैं ट्रांसफ़र करता हूँ राम जियावन वाले अकाउंट में, जो कि मेरे ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वॉलेट का ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनको बैलेंस ट्रांसफ़र करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने दो ऑपरेटर चूज़ कर रखे हैं, यहाँ पर एक आशीष कुमार राय और यहाँ पे रामजीवन बिंद, ठीक है। तो मैं सिंपल जो रामजीवन बिंद है उनको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ बैलेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन है यहाँ पर ट्रांसफ़र का, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वॉलेट आ चुका है कि 201 रुपये इसमें है और ये इनका CSC ID है, इसमें अमाउंट डालना है, पिन डालना है, ठीक है, और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल इसको मैं अभी रामजियावन वाले में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ सिंपल पहले 1 रुपया, ठीक है। क्योंकि 1 रुपया यहाँ पे इनके अकाउंट में मुझे डिलीट करना है, इनको यूज़ नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ बनाने वीडियो बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पिन नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल लिया और यहाँ पे मैं सबमिट बटन पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सक्सेस फंड ट्रांसफ़र कंप्लीट सक्सेसफुली। तो यहां पर मैं रामजियावन का यहां पे अकाउंट को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, डैशबोर्ड पर मैं क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं यहां पर बैलेंस यहां पर 1 रुपया आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने लिए एक ऑपरेटर चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो CSC ID मैंने अभी बनाया है, तो इसको अभी मान लीजिए इसको डिलीट करना है या इसको डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर देखिए मैनेज के लिए ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैनेज पर क्लिक करिए, मैनेज पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डीएक्टिवेट के लिए ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर डिलीट के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स इनको तभी आप डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं जब तक कि इनका जो बैलेंस है आप अपने अकाउंट में वापस ना ले लें, ठीक है। तो अभी इनके अकाउंट में भी मैंने आपको दिखाया कि ये ऑपरेटर हैं रामजियावन, ठीक है, इनके अकाउंट में मैंने 1 रुपया ट्रांसफ़र किया था। तो सिंपल फ्रेंड्स आप इनके अकाउंट से वो पैसा आप वापस ले सकते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये जो आइकन है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिवोक बैलेंस। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवोक बैलेंस पर क्लिक करना है, ठीक है। रिवोक बैलेंस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ये अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है 201 रुपये 56 पैसे है। तो जैसे ही आप इन पर रिवोक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 201 रुपये 56 पैसे, और यहाँ पर देखिए अमाउंट इनके जो रामजियावन यहाँ पे हैं, रामजियावन इनका अकाउंट है, यहाँ पर करेंट बैलेंस है इनका 1 रुपया। तो ये 1 रुपया मैं अपने अकाउंट में वापस ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्हें मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल 1 रुपया यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, और यहाँ पर अपना मैं वॉलेट पिन यहाँ पर डाल लेता हूँ। वॉलेट पिन डालते हैं यहाँ पर, सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है, यहाँ पर सक्सेस फंड ट्रांसफ़र कम्प्लीटली। तो यहाँ पर वैलेट बैलेंस यहाँ पर 202 रुपये मेरा हो चुका है। अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको बिल्कुल बहुत ही आसानी से मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर में आइए, और यहाँ पर मैनेजर को क्लिक करिए। मैनेजर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपल यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑपरेटर देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, सक्सेस ऑपरेटर स्टेटस चेंज कम्प्लीटली, तो ये डिलीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से मैंने इन्हें क्रिएट किया, फ़ंड ट्रांसफ़र किया, फ़ंड उनसे वापस लिया, और किस तरह से डिलीट किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना बताया तो एक लाइक तो मेरा बनता है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको आपके मन में कोई और विचार आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।